नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। आपका स्वागत है जॉब अड्डा यूट्यूब चैनल में। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नए वीडियो का अपडेट आप पा सकते हैं सबसे पहले। जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में अपना नाम कैसे निकाल सकते हैं, अपना नाम कैसे देख सकते हैं। तो उस लिस्ट को कैसे निकालना है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का लिस्ट कैसे निकालना है, अपने घर के अपने फैमिली का नाम आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपके फैमिली के किन किन लोगों का नाम आपके प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में है और या नहीं है। तो ये चीज़ आप जानने के लिए इस वीडियो में पूरे बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है या कोई आप एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको उस ब्राउज़र में टाइप करना होगा pmj.gov.in। तो यहाँ पे जैसा कि मैं टाइप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं pmj.gov.in। इसे सर्च इसके टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आप इसे अगर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट मोड में कर लीजिएगा, ये थ्री डॉट पे क्लिक करके। और यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आता है, इस बॉक्स में टिक कीजिएगा तो ये डेस्कटॉप साइट मोड में आपका हो जाएगा फ़ोन। तो आपका डिस्प्ले इस तरह से खुलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक देखिए ऐड आएगा, इसे आपको रिमूव करना होगा, कट कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है MI एलिजिबल। ये आपको MI एलिजिबल पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं एक नया इंटरफेस खुलेगा आपको इस तरह का। तो यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर, यहाँ आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कैप्चा फिल करने को बोला जाएगा। तो इस कैप्चे को यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है उसको आपको इस जगह पे फिल करना होगा। तो चलिए इसे मैं इंटर करता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, मैंने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे ये वाला कैप्चा फिल कर दिया है यहाँ पे। तो अब इसे मैं जनरेट OTP पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपके पास एक मोबाइल पे OTP देखिए आ गया। तो चलिए मेरा OTP आ गया है तो मैं इसे सबमिट करता हूँ। जैसा कि मैंने अपना OTP इंटर कर दिया, इसके बाद ये आपको एक्सेप्ट करना होगा, टिक करना होगा इस बॉक्स में। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो इस तरह के इंटरफेस खुलने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैं अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको अपना फिर देखिए यहाँ पे मेरे स्टेट में अभी अवेलेबल है यहाँ पे बाई राशन कार्ड ही सिर्फ ओनली। और ऐसे और बहुत सारे ऑप्शन, 5-6 ऑप्शन आते हैं, मोबाइल नंबर से भी आता है और आपका राशन कार्ड से आता है, नाम से आता है, और एक HHD कुछ नंबर होता है उससे भी आ जाता है। तो इस सारे ऑप्शन से आता है। तो आपके पास जो ऑप्शन खुलेगा उससे आप चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए राशन कार्ड नंबर से मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना राशन कार्ड एंटर करता हूँ, राशन कार्ड नंबर एंटर यहाँ मैं कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने अपना यहाँ पे राशन कार्ड नंबर एंटर कर लिया, इसके बाद सर्च करें, खोजे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप खोजे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए नीचे में खुल करके ये नाम आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुल करके यहाँ नाम आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खुल के नाम आ गया। यहाँ पे गेट डिटेल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। गेट डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाता है। तो इसके बाद इस तरह से मिलेगा। इसके बाद अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, मेल फीमेल जो भी है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर जो आपने इसमें दिया है वो दिखा देगा। इसके बाद आपको गेट डिटेल पे क्लिक करना है अगर आप अपने मोबाइल पे मैसेज पाना चाहते हैं तब। तो यहाँ गेट डिटेल ऑन SMS यानी विवरण प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे गेट डिटेल ऑन SMS यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे इंटर मोबाइल नंबर, इंटर कैप्चा यानी ये वाला कैप्चा आपको यहाँ फिल करना होगा। अपने मोबाइल नंबर फिल करने के बाद कैप्चा फिल करके और ये सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा, तब फिर आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगा। सारा डिटेल इससे रिलेटेड सारा डिटेल आपके पास आपके फ़ोन में फिर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको आरोग्य अपना प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में नाम देखना है कि किन किन घर के परिवार के आपके फैमिली में किन किन लोगों का नाम है या नहीं है, ये सब इस तरह से आपको चेक करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक नए अपडेट आप पा सकते हैं। मैं इस चैनल पर ऐसे वीडियो पर डे एक वीडियो कम से कम अपलोड करता हूँ। तो इस तरह की आप वीडियो की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आप किसी को दिक्कत ना हो, अगर कोई और भी लिस्ट ऐसे निकालना चाहे तो वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होगी नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।